हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मजे में हो गए, पॉजिटिव फील कर रहे हो। आपका हमेशा पॉजिटिव फील करना है। और यस, अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि आज हम कर रहे हैं एक पिक का रीडिंग, जिसके भी बारे में इस वक्त आप सोच रहे हो, कोई भी पर्सन आपका क्रश हो, पार्टनर हो, कोई भी हो, वो इस वक्त आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं और आपके लिए फ्यूचर में क्या कुछ नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, आपको इन दोनों में से पाइल को सिलेक्ट करना है, जो भी आपको बुद्धा अच्छा लगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने रखे है ब्लू और यहाँ पे येलो, इन दोनों में से आपको जो अट्रैक्ट करे आपको वो पाइल जाके देखनी है। ठीक है, और यस, ये टाइमलेस रीडिंग होती है। जब कभी आप रीडिंग तक पहुँचोगे आपके लिए उस वक्त का मैसेज निकल के आता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है। कलेक्टिव की एनर्जीज होती है तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन यस, बहुत सारी बातें रेजोनेट कर जाती है। आपको ओपन माइंड रखकर रीडिंग को देखना है, किताब पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल रेट है, जो कि नॉर्मल पर्सन अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। आपको अपनी पाइल सिलेक्ट करनी है, अपने पाइल पर जाके अपने वीडियो को देखना है। वहाँ से आप मतलब आगे जाओ, मैं डिस्क्रिप्शन में मैं उसका टाइम स्टैम्प दे दूंगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से, जो कि है ब्लू बुद्धास। ठीक है, तो इनको हम रख देते हैं साइड में और यहाँ पे चल रहा है ब्लू बुद्धास का रीडिंग। ठीक है, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है हम उनकी रीडिंग करने जा रहे हैं। गाइड करें यूनिवर्स, जो भी यूनिवर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें बताएं उनके पार्टनर जिनके भी बारे में सोच रहे हैं, क्रश, इनके रोमांटिक पार्टनर इस वक्त इनके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं, इनके लिए क्या कुछ नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं, हमें ट्रू मैसेजेस दें। तो यस, इस वक्त आपके जो भी पार्टनर है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में है। ठीक है, आपके पास आने के बारे में सोचते हुए दिखाई तो दे रहे, लेकिन अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस तरह से नज़र आ रहा है। डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। शायद जहाँ पे काम करते हैं ना, वहाँ पे अपने फ्रेंड लोगों से ये सजेशन ले रहे कि किस तरह से इस रिश्ते को मैं स्टार्ट करूँ, किस तरह से आपसे बात करूँ, जो कि पास के गिले शिकवे उनको दूर करना चाहते हैं। डेफिनेटली आप कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, एक जिम्मेदार पर्सन है, अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ उठाते, वो जिम्मेदारियों के तले कम्प्लीटली दब चुके हैं, इसलिए इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आपको मतलब फैमिली को पीछे छोड़ के आपके लिए कैसे स्टैंड ले, कैसे एक्शन ले। बस नेगेटिविटी बढ़ चुकी है और आंखों पे जैसे पट्टी बन गई है, उनका कुछ आगे का रास्ता समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे। ठीक है, आपके साथ अगर उनको लगता है कि अगर मैं रिश्ते में स्टार्ट करने जाता हूँ, आपसे बात करने जाता हूँ, तो हो सकता है कि पास की बातों से बातों को लेकर आपके अंदर फिर से अनबन हो जाए, झगड़े हो जाए, इस तरह से उनको नजर आ रहा है। डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो कि थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते, कस के पकड़े हुए हैं थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी के साथ वो बना के आपके साथ आना चाहते हैं, जो कि थर्ड पार्टी है मानेगी नहीं मानेगी उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी को भी अगर समझाने जाए तो वो भी झगड़ा ही करेगी, वो भी उल्टा सीधा ही सुनाएगी, जो कि उनको बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। कोई भी थर्ड पार्टी है उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचती है, जो दिल में उनको बोला जाता है उल्टा सीधा सुनाया जाता है, इसलिए वो थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा डरते हैं। आपको डेफिनेटली ऑफर करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इनका एक्शन आपको स्लो आएगा। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रांगली आपके पार्टनर जो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एरीज लियो सैजिटेरियस के हो सकते हैं। ठीक है, और यस, डेफिनेटली ऑफर करेंगे, आपसे दिल से चाहते हैं इस रिश्ते को स्टार्ट करना, क्विकली डिसीजन लेते हैं, डिसीजन चेंज कर देते हैं, नहीं बाद में मैसेज करता हूँ, कल करता हूँ, इस तरह से। लेकिन इनको दिल से चाहता मनना है, लेकिन ये झगड़े से डरते हैं। इनको लगता है कि शायद आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा गर्म है, जिससे कि आप जो मतलब उन्होंने पास में आपको जो टावर मोमेंट भी दिया है ना, इस टावर मोमेंट्स के उनको पता है, जो कि आपको ग्रीड, सक्सेस या फिर लस्ट के चक्कर में, या फिर किसी से गलती से घर वालों ने बताया और उससे घर वालों के कहने की वजह से किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए, इस तरह से भी है। तो उनको लगता है कि यही बात है, आप बार बार दोहराओगे और फिर से उनसे मतलब ये झगड़े करोगे, और वो अपने आप को कितना भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करे, वो आपको अपने आप को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएंगे, उनको इस तरह से फील हो रहा है। या अपना स्टैंड ले नहीं पाते, अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसके लिए उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे आपके लिए एक्शन लू। भगवान भरोसे सब कुछ छोड़ दिया है, जो कि अगर ये नेगेटिव थॉट्स को जरा सा भी साइड कर देते, जरा से भी स्ट्रेंथ बना लेते हैं ना आपके लिए, तो डेफिनेटली आपके पास आकर इस रिश्ते को बिगिनिंग भी कर सकते हैं, स्टैंड भी ले सकते हैं और ब्राइट फ्यूचर भी आपके साथ बना सकते हैं। उनको बस जरा सी स्ट्रेंथ की जरूरत है, जो कि घर वालों के सामने वो दिखाए आपके लिए स्टैंड ले, लेकिन वो नहीं लेते हैं। डेफिनेटली आपको इनका रियूनियन मतलब ये डेफिनेटली इस रिश्ते को स्टार्ट करेंगे आप।
आपके साथ, ठीक है। दिल से इनकी तमन्ना है, स्टार्ट करना है। आपके सारे अकाउंट चेक किए जाते हैं, सोशल मीडिया चेक किए जाते हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखी जाती है, ठीक है। और जैसे कि अगर आपको लगता होगा कि आपको भूल गए हैं तो डैट इज़ इम्पॉसिबल, ये आपको कभी भी नहीं भूल सकते। देखो किस्मत का पहिया घूम रहा है और डेफिनेटली आपको इनका मैसेज, मुझे तो फीलिंग आ रहा है 1 मंथ में आ सकता है या फिर 3 वीक्स में, 1 मंथ या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में आपका इनका कॉल या मैसेज डेफिनेटली रिसीव हो जाएगा, ठीक है। नया नया झगड़ा है अभी 10-15 दिन पहले, तो 1 हफ्ते में या 1 दिन में भी इनका एक्शन आपको आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 1 साल से ज़्यादा, 6-7 महीने से ऊपर, तो 1 महीना या 3 महीने के अंदर आपको इनका एक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। या आपको भूलेंगे नहीं है और कभी भी भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो ये थी पाइन नंबर 1। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए कि आपके साथ पाइन नंबर 1 रेजोनेट हुई है, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइन नंबर 2, तो देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं, ठीक है। अर्थ रेनर्स पाइन नंबर 2 के पार्टनर इस वक्त इनके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं और इनके लिए क्या कुछ फ्यूचर में एक्शन ले सकते हैं, हमें बताएं, गाइड करें, ट्रूली मैसेज दें, ठीक है। तो यस, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। दिल से चाहते हैं आपके साथ रिश्ते की बिगिनिंग करना, लेकिन जो कि आपने ये दीवार खड़ी करके रखी है, खुद आपने जो कंडीशन डाल के रखी है ना, उस कंडीशन के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि ये जो पास्ट है, काश ऐसा ना हुआ होता, जिन्होंने आपको जो बहुत ज़्यादा जज किया है, आपका बहुत ज़्यादा सब्र देखा गया है, आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया गया है, हो सकता है आपने उनको बहुत ज़्यादा मनाया भी हो उस टाइम पर, जब जिस टाइम पर ये आपको छोड़ के गए ना, आपने जो कंडीशन डाले, आपने जो बोला कि जैसे कि अगर आपने बोला होगा कि अगर तुझे मुझसे इतना प्यार है तो क्यों इतना थर्ड पार्टी के बारे में सोचता है, ऐसा मत कर, हम शादी करेंगे, हम अपनी लाइफ को आगे लेके जाएंगे, हम हैप्पीली फैमिली करेंगे और तू मेरे बिना नहीं रह सकता क्योंकि तुझे पता है मैं भी तुझसे कितना प्यार करती हूँ, इस तरह से आपने जो भी बोला होगा ना उस टाइम पे, वो याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको पता है कि उन्होंने आपके सब्र का बहुत ज़्यादा इम्तिहान लिया है, जो कि आपके साथ अभी खुशियाँ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ एंटर कराना चाहते हैं, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। डेफिनेटली इनको आपका कम्युनिकेशन रिसीव होते हुए डेफिनेटली आपको इनका कम्युनिकेशन रिसीव होते हुए दिखाई दे रहा है। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन थे, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि कंप्लीट चेंज हो चुके, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल थे तो इस वक्त आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचने लगे हो, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके, अपना प्यार आपसे एक्सप्रेस करना चाहते, आपसे माफ़ी मांगना चाहते, जो कि उन्होंने आपको पास्ट में जो कुछ भी तकलीफ दी है, जो कुछ भी रुलाया है, उसका एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहते और दिल से आपको सॉरी बोलना चाहते। डेफिनेटली ये रियूनियन करना चाहते, इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड तक आपका साथ देना चाहते। बहुत ज़्यादा सपनों में देखते हैं आपको, इल्यूजन में देखते हैं, इल्यूजन बनाते रहते हैं, 24 आवर्स आप इनके माइंड में चलते रहते हो, ठीक है। इस वक्त भी वो आप ही के बारे में सोच रहे हो किस तरह से इस रिश्ते को स्टार्ट करें। इनको पता है इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है ना, बहुत गलत किया है, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, जो कि इनका दिल चाहता है आपको जस्टिस करना, आपके साथ न्याय करना। इनको पता है आप यू डिजर्व नहीं करते थे जो भी आपके साथ हुआ। तो देखो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि रीयूनियन को दर्शाता है। आपको डेफिनेटली रीयूनियन होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत जल्दी 2 महीनों के अंदर अंदर या फिर 2 वीक्स के अंदर ही आपको इनका कॉल मैसेज आ जाएगा। और नया नया झगड़ा है 10-15 दिन पहले, तो फिर 2 दिन के अंदर या 2 घंटों के अंदर भी आपको इनका एक्शन आ सकता है, ठीक है। आप दोनों की फीलिंग एक दूसरे के लिए ट्रू है, आप दोनों ही अट्रैक्शन महसूस करते हो, एंड तक अपना एक दूसरे को साथ देना चाहते हो, और आपको यह भी फील होता है कि आपका जो कनेक्शन है सोलमेट ट्विन फ्लेम का हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, और जो कि डिवाइन भी आपको सपोर्ट कर रहा है। डिवाइन को आपको डिवाइन की तरफ से साइन मिलते हैं, एंजल नंबर दिखाई देते हैं, बटरफ्लाइज दिखाई देते हैं, मतलब फिदर्स दिखाई देते हैं, और कहीं पर मतलब आपको अपने पार्टनर के नाम दिखाई देते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ दिखाई देता है, कोई पर्सनैलिटी उनके जैसे दिखाई देती है। ये सब साइंस है, आपको डिवाइन बताना चाह रहे हैं कि आपका बहुत जल्द रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैंने जैसे कि बोला यहाँ पे आपके पार्टनर आएंगे, मैं उल्टे कार्ड्स नहीं पढ़ती, आपके पार्टनर आएंगे और आपके साथ शादी का कमिटमेंट आपको ऑफर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे, ठीक है। उनको फिजिकली अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, और यहाँ पे टॉक्सिक, मतलब टॉक्सिक बन चुके हैं अभी, इनका माइंड इतना ज़्यादा काम करना बंद कर चुका है ना, आपको डिस्टेंस देके, आपको जज करके थक चुके हैं कंप्लीट, अब इनके खुद से उनका
खुद ही से उनको पेशेंस नहीं हो रहा है, ठीक है, अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, डेफिनेटली रिश्ते की बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ ब्राइट फ्यूचर देखते हैं, आपको कभी भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, इनको पता है अगर दिल से अगर ये जीना चाहते हैं, दिल से अगर इनको खुश होना है और जीने की तमन्ना जो कि खुशी होती है दिल से इंसान को जीने की, जो को पैसों से आप खरीद नहीं सकते हो, एक फीलिंग रहती है दिल से इंसान को जीने की, जो एक कॉन्फिडेंट पर्सन होता है उसके लिए जो खुशी रहती है, जो प्यार रहता है, वही सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, और वो प्यार वाली फीलिंग सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, और ये वो पाना चाहते हैं जो कि आपसे डिस्टेंस बनाने के बाद ये सब कुछ खो चुके हो उनको, और ना तो उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है, ना तो वो हैप्पी फील कर पाते हैं, और ना ही जैसे पहले जैसे उनके दिल में कुछ फीलिंग आ ही नहीं रही है, और इनको ये डेफिनेटली पता है कि आप जब एंटर करोगे तभी वो पॉसिबल है, किसी और से ये कभी ऐसा फील कर ही नहीं सकते जैसे कि वो आपके साथ करते हैं। देखो उनको लग रहा है कि अगर वो एक्शन लेते हैं आपके लिए तो शायद आप उनको इस बार इग्नोर कर दो, क्योंकि जो भी उन्होंने आपको इतनी तकलीफ दी है वो चाहते हैं कि आप उनको इग्नोर ना करें, डेफिनेटली अपने फैमिली पर आप में बैलेंस बनाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये करेंगे भी, ठीक है, डेफिनेटली आपका और ये करेंगे भी, ठीक है, डेफिनेटली आपको इनका एक्शन रिसीव हो जाएगा, जैसे कि मैंने बोला है 2 months के अंदर अंदर, और जैसे कि पहले मैंने बता दिया है 2 weeks 2 months 2 days या फिर 2 hours में आपको इनका कॉल मैसेज आ सकता है। आप देखो रिलेशनशिप में अगर ज़्यादा वक्त हुआ है ब्रेकअप से तो 2 महीने लग सकते हैं, और अगर कम टाइम हुआ है तो 2 दिन या 2 घंटों में भी आपको आ सकता है इनका कॉल मैसेज, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्तों में आ सकता है, ठीक है। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है पाइल नंबर 2, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे अगर मैं राशियों की बात करूँ, यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एरिस वर्गो सैजिटेरियस है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है, ठीक है, तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, सारे के सारे ही साइंस यहाँ पे मौजूद है। नंबर 6 है यहाँ पे, 1 है, 2 है और नंबर 7, 8 है, ठीक है, आपके पार्टनर के बर्थडे में हो सकता है। तो यस, आपके साथ रीडिंग रेजोनेट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए कि यस पाइल नंबर 2 मेरे साथ रेजोनेट हुई है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।